myself Malita from Suresh Group Education. Today I will teach you mathematics. My topic name is time. According to time, we work many. देखिए बेटा, जैसे हम स्कूल गो टू स्कूल स्कूल जाते हैं या स्कूल से घर वापस आते हैं, तो अकॉर्डिंग टू टाइम हमें पता चल जाता है क्लॉक से कि कौन से टाइम से हम स्कूल जाते हैं और हम स्कूल से घर वापस कब आते हैं. तो हमें ये सब चीज़ें किससे पता चल जाती हैं? क्लॉक से. अब देखो बेटा, रीडिंग है क्लॉक, हमें क्लॉक के अंदर पढ़ना है. अब देखिए, टाइम देखने के लिए तो यहाँ देखेंगे बेटा, जो हावर हैंड है, जो हावर हैंड है वो कितने नंबर पे है? 5 पे. और जो मिनट हैंड है वो कितने पे है? 12 पे. तो हावर हैंड है 5 पे और मिनट हैंड है 12 पे. तो यानी कि इस वॉच के अंदर, इस क्लॉक के अंदर कितना टाइम हो गया? 5. यानी कि 5 o'clock. तो हम यहाँ क्या राइट करेंगे? 5 1 और ये 2 0. ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं 5 o'clock. ओके, अब यहाँ देखेंगे इस वाली वॉच के अंदर, यहाँ ये वाली वॉच भी कह सकते हैं और क्लॉक भी कह सकते हैं. वैसे वॉच होती है वो हैंड पे बांधने के लिए होती है और जो क्लॉक होती है वो दीवार पे लगाने के लिए होती है. तो यहाँ देखिए, ये वाली क्लॉक है जिसके अंदर जो हावर हैंड है वो कितने पे है? एट 3 पे. और जो मिनट हैंड है वो कितने पे है? 12 पे. तो यहाँ कितना टाइम हो जाएगा बेटा? 3. तो यहाँ क्या लिखेंगे बेटा? 3 2.00. यानी कि इस वॉच के अंदर 3 o'clock हो गए हैं. तो यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं 3 o'clock. इस वाले में देखिए, इसमें हावर हैंड कितने पे है? 8 पे. और मिनट हैंड कितने पे है? 12 पे. यानी कि इस क्लॉक के अंदर कितना टाइम हो गया? 8 o'clock. इसलिए हम यहाँ क्या लिखेंगे? 8:00. यानी कि 8 बज गए इस वाले में. और या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं 8 o'clock. ओके, अब आता है बेटा टाइम ऑफ द डे. डे में जो टाइम होता है वो बटा हुआ होता है. जैसे डिफरेंट, ये देखो, जैसे सुबह वाले टाइम को क्या कहते हैं? मॉर्निंग. आफ्टरनून, दोपहर वाले टाइम को क्या कहते हैं? आफ्टरनून. और जो शाम हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं बेटा? इवनिंग. और रात को जब हम सोते हैं तो उसे क्या कहते हैं? नाइट. तो मॉर्निंग में क्या क्या काम करते हैं हम? ब्रेकफास्ट करते हैं और स्कूल जाते हैं और भी मैनी वर्क करते हैं. आफ्टरनून में क्या करते हैं? स्कूल से घर वापस आते हैं. और इवनिंग में क्या करते हैं? जब सन सेट हो जाता है, यानी मतलब छिप जाता है, तो उस टाइम पे क्या होता है बेटा? इवनिंग होता है और हम उसे इवनिंग टाइम पे खेलते भी हैं. और नाइट में क्या होता है? हम डिनर करते हैं और गो टू बेड, यानी कि सोने के लिए जाते हैं. तो ये सब काम हम नाइट में करते हैं. नेक्स्ट बेटा, डेज ऑफ द वीक, यानी कि सप्ताह के दिनों के नाम. तो देर आर 7 डेज इन ए वीक. वीक के अंदर कितने डेज होते हैं? 7 डेज होते हैं. फर्स्ट है मंडे. हम स्कूल से स्टार्टिंग करते हैं तो किससे? हम मंडे से जाने स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट डे है मंडे, सेकंड डे ट्यूसडे, थर्ड डे वेडनेसडे, फोर्थ डे थर्सडे, फिफ्थ डे फ्राइडे, सिक्स्थ डे सैटरडे, और द लास्ट एंड द सेवंथ डे इज संडे. तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, हम ये 6 डेज हम स्कूल में जाते हैं, गो टू स्कूल. लेकिन लास्ट डे है संडे, वो क्या होता है? हमारा हॉलीडे होता है. ठीक है, अब यहाँ से वन सीरीज ये भी बनते हैं. मंडे आफ्टर क्या आता है? ट्यूसडे. ट्यूसडे आफ्टर क्या आता है? वेडनेसडे. वेडनेसडे आफ्टर क्या आता है? थर्सडे. थर्सडे आफ्टर क्या आता है? फ्राइडे. फ्राइडे आफ्टर क्या आता है? सैटरडे. और सैटरडे आफ्टर क्या आता है? संडे. ठीक है, समझ में आ रहा होगा सभी को? या फिर ऐसे पूछ लेता है कि ट्यूसडे बिफोर क्या आता है? मंडे. वेडनेसडे बिफोर ट्यूसडे. थर्सडे बिफोर वेडनेसडे. फ्राइडे बिफोर थर्सडे. और सैटरडे बिफोर फ्राइडे. और संडे बिफोर सैटरडे. या फिर ऐसे भी क्वेश्चन किया जा सकता है, मंडे और वेडनेसडे बिटवीन क्या आता है? तो क्या आता है? ट्यूसडे. थर्सडे और सैटरडे बिटवीन क्या आता है? फ्राइडे. या फिर फ्राइडे और संडे बिटवीन क्या आता है? सैटरडे. ठीक है बेटा, आई होप यू, आपको अच्छे से समझ में आया होगा. थैंक यू, हैव ए नाइस डे.